हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। माय नेम इज विकास सोनी आईपी। आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के कोर्स के अंदर, जो कि है स्पेशली फॉर द डिफेंस एग्जाम्स। यानी जो बच्चा तैयारी कर रहा है एनडीए के एग्जाम की, जो बच्चा तैयारी कर रहा है एयरफोर्स के एग्जाम की या नेवी के एग्जाम की या सीडीएस, या वो करंटली अभी पढ़ रहा है वो 11th क्लास के अंदर, तो ये वीडियो बहुत ही शानदार और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आप मेरे साथ आज जानेंगे एक प्यारा सा कंसेप्ट विकास सोनी आईपी के साथ। तो जैसा कि आपको पता होगा, इससे ऑलरेडी पहले हमने 27 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनमें कुछ लाइव क्लासेस भी थी, कुछ अपलोडेड भी थी। आपको वो सभी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जिसका नाम है फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम, जो कि इसी चैनल के ऊपर है। आप उसको चेक कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स का पोर्शन। काइनेमेटिक्स मीन टू से स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज। हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं मोशन के अंदर, लेकिन हम उसके कारण की बात नहीं करते। और इसके भी हम हाफ पोर्शन को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था। बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो हमारा जो बचा हुआ पोर्शन था वो था मोशन इन प्लेन, यानी जिसको टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, जिसके अंदर दो बेहतरीन कंसेप्ट है बेटा। एक जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा था आपका सर्कुलर मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, आपको याद होगा मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल के टाइप्स के बारे में बताया था। तो हमने उन प्रोजेक्टाइल के टाइप्स के अंदर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और उसको कंप्लीट पढ़ा था। उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, और जिसने वो वीडियो मिस कर दी तो वो पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं शुरुआत इसकी। तो एक बार सब बच्चे कमेंट में जरूर लिखेंगे लेट्स फायर। लेट्स फायर लिखने का मीन कि वी आर रेडी फॉर द क्लास। हम बेहतरीन शुरुआत करने वाली है आज की इस क्लास की। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इससे पहले हमने पढ़ा, ये उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, देखें आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन यानी एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, बस इसमें एंगल का कोई रोल होगा, है ना, इसके अंदर एंगल का कोई रोल होगा। तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर किसी एंगल के साथ फेंकते हैं, देखिए जी आप उसको किसी एंगल से फेंकते हैं, इस प्रोजेक्शन को, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं कि इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपका एंगल 90 भी नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, योर एंगल मस्ट लाई बिटवीन जीरो से 90 डिग्री, यानी आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, कोई भी वैल्यू हो। ऐसे केस के अंदर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वापस नीचे भी गिरेगा, ये जो प्रोजेक्शन कहलाएगा वो आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अब सर इसके एग्जाम्पल्स बताएं, तो एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। ये एग्जाम्पल पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए जी, इस जगह से एक कैनन यानी जो तोप है से गोले को फेंका जा रहा है। आप जरा देखिए ध्यान से, तो आप देखिए ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड से ऊपर इस तरह से गोले को फेंका जा रहा है, कुछ एंगल पे फेंका जा रहा है, आप देख सकते हैं इसका कुछ एंगल है, और ये एंगल आपका जीरो से बड़ा है एंगल, और आपका ये जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री से कम है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एंगल जीरो से बड़ा 90 से छोटा, और ऊपर जाएगा और उसके बाद जो धरती माता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो वापस भी नीचे आएगा, तो ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल का ही तो एग्जाम्पल है। उसके अलावा चलते हैं जी दूसरी सीन पे। आप सब बच्चों ने एंग्री बर्ड्स गेम खेली होगी, तो देखा होगा एंग्री बर्ड्स गेम के अंदर हम एंग्री बर्ड्स को किस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल बना के, इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल बना के फेंकते हैं, जरा देखो ध्यान से। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो किसके साथ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ, आप देखिए जरा कुछ एंगल से उसको फेंका जाता है, ये एंगल आप देख पा रहे हैं, है ना, तो ये एंगल भी जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, और जब इस तरह से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है और फाइनली नीचे भी आ जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी बेटा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी आपको दिखाए थे मैंने, आपको याद होगा, ठीक है, एक स्नोबोर्ड वाले का मोशन देखिए, इस तरह से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, इमेजिनरी लाइन, तो इसके साथ अगर आप देख सकते हैं तो इनिशियली कुछ एंगल के साथ वो ऊपर मूव कर रहा है। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पर भी एक आदमी, ये मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल, तो यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है, लेकिन ये जो एंगल है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जीरो से आपका बड़ा है, 90 से छोटा है, तो ये भी आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक इस साइड से यहाँ से पानी की स्टीम बाहर निकल रही है, एक फाउंटेन है, फुहारा है, तो पानी ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप जरा यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका एंगल जीरो से बड़ा 90 से छोटा है, और उसके बाद पानी ऊपर गया, लेकिन धरती माता ऊपर नहीं जाने देगी, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ने देती, वापस इसको नीचे खींच लेती है, इसका मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है।
अगेन यहाँ से एक कैनन एक टॉप से एक आदमी को फेंका गया, और इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसके साथ कुछ एंगल पे फेंका गया। अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेहद ही जान बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम आपको मिले जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसको पढ़ना तो बनता ही है, इसलिए इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो मोशन है हमारा, ये एक टू डायमेंशनल मोशन है, यानी जिसको हमने मोशन इन प्लेन के नाम से बुलाया था। आपको पता होगा एक टू डायमेंशन मोशन का मतलब होता है जहां पर दो एक्सेस के अंदर वेरिएशन आएंगी। इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक नहीं आपको दो दो एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए इसको टू डायमेंशन मोशन कहा गया। एग्जाम्पल में देखें, यहां से इस जगह से इसको नाम दिया मैंने ओ, पॉइंट नंबर ओ, ओरिजिन वाला पॉइंट, या जहां से हमने बॉल को फेंकना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से एक बॉल को फेंका, बॉल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद हुआ क्या, धरती माता बोलती है ज्यादा ऊपर मत उड़ भाई, आप तेरे नीचे आने की बारी है। तो ये नीचे वापस आया और फाइनली आके इस ग्राउंड से स्ट्राइक कर गया। इस पूरे मोशन के दौरान कहाँ कहाँ चेंजेस आए, तो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी नीचे की तरफ देखो आपको लाइन बनी हुई है, बस उसके ऊपर ऐसे डॉट्स बना रहा हूँ। ये जो लाइन है, क्या मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस नाम दे दूं या मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूं, ये एक्स एक्सिस है या आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने एक और इमेजिनरी एक्सिस बना दिया ऊपर की तरफ, तो क्या मैं इस लाइन को वाई एक्सिस नाम दे दूं या मैं इसको वर्टिकल एक्सिस बोल दूं। भैया क्यों मैंने ये दो एक्सिस बनाए, क्योंकि जरा ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में बॉल यहां पर है ओरिजिन पे, कुछ देर बाद बॉल यहां पर पहुंच गई, यानी इसकी मैं अगर आपको लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो इसकी लोकेशन को जरा ध्यान से देखो कि पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये पोजिशन एक्स वन है और वाई एक्सिस पे पोजिशन ये वाई वन है। थोड़ी देर बाद बॉल यहाँ पर पहुंच जाती है, मैंने फिर से इसकी लोकेशन बनाने की कोशिश की, इस तरह से मुझसे लोकेशन बन भी गई और मुझे क्या पता लगा कि x की वैल्यू पहले x1 थी, अब बढ़कर वो शायद x2 हो गई है। y1 की वैल्यू y1 से बढ़कर शायद अब y2 हो चुकी है, यानी दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। दो दो एक्सिस पे वैल्यू चेंज होना आपका टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। और अगर जब भी आप एक टू डायमेंशन मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है आप उसके दोनों डायमेंशंस को अलग-अलग स्टडी कीजिए, आप दोनों को अलग-अलग स्टडी कीजिए। मीन टू से कि अगर बॉल आगे बढ़ रही है, देखिए स्टार्टिंग में बॉल यहाँ पर थी, फाइनली लास्ट में बॉल यहाँ पर पहुंच गई, तो वो इतना आगे भी तो बढ़ी है ना। उसके साथ साथ स्टार्टिंग में बॉल यहाँ थी, कुछ देर बाद वो इतना ऊपर भी तो पहुंच गई है, यानी ग्राउंड से इतनी हाइट के ऊपर भी तो गई है वो बॉल, आप देखें तो, यानी ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है आगे की तरफ भी बढ़ रही है। तो दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, दोनों के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। लेट अस सपोज आपने इसको इनिशियली किसी वी वेलोसिटी से फेंका था, इस प्रोजेक्टाइल को हमने इतना एंगल बना के थीटा एंगल बना के भेजा था ना, हमने तो थीटा एंगल से फेंका था इसलिए तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था। अगर मैं इस वेलोसिटी के बेटा कंपोनेंट करना चाहूं तो आप देखोगे कि इसका एक कंपोनेंट इस तरफ किया जा सकता है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं, क्या मैं इसको v cos थीटा लिख सकता हूं। थीटा cos क्यों लगाया, क्योंकि नीचे वाले के साथ एंगल बन रहा है। और अगर मैं इसका दूसरा कंपोनेंट करना चाहूं तो शायद मैं इस तरह से कंपोनेंट करूंगा जिसको लिख सकता हूं v sin थीटा, क्योंकि इस वाले के साथ एंगल नहीं है। या फिर मैं इसको बेटा लिख सकता हूं ये वेलोसिटी का x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब ये जो बॉल है यहां से चली थी और फाइनली आप देखें यहां पर पहुंच गई, इस लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंच गई, मान लीजिए जेड नंबर पॉइंट है, तो देखो ओ से जेड तक पहुंचना है ना, इतना हॉरिजॉन्टली वो मूव किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बॉल है ये इतना ऊपर पहुंच गई, इस हाइट तक पहुंच गई थी, तो ऊपर लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। वापस से नीचे आ गया वो, क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही है। तो इसलिए बेटा हम इस मोशन को स्टडी करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखें कि आपने ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियली एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में कुछ वेलोसिटी देके भेजा जो कि कितनी है v cos थीटा, जो अभी भी मैंने बताया। क्या हमने हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई एक्सेलेरेशन दिया, नहीं हमने कोई एक्सेलेरेशन नहीं दिया और ना ही यहां पर कोई एक्सेलेरेशन है, सो इसकी वैल्यू ली जीरो। वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्या कुछ वेलोसिटी है, बिल्कुल हाँ, हमने अभी इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किया था जो कि हमारे पास आया था v sin थीटा, यानी ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वर्टिकल मोशन के लिए, ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए। लेकिन नीचे आते टाइम मुझे बताओ क्या हो रहा है, क्या नीचे के टाइम पे कोई एक्सेलेरेशन है, क्या वर्टिकल साइड में कोई एक्सेलेरेशन लग रही है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर धरती माता जो है ना उसकी वजह से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। तो ये तो अपने आप आई, हमने नहीं दिया जी, अपने आप आती है, हर एक चीज पे आती है वर्टिकल के अंदर। तो ये दो चीजें यहाँ पर और दो ये चीजें यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा रोल इन्हीं का है और आगे पूरे सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगा।
तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला हमारा काम होगा, सबसे पहला हम कंसेप्ट निकालेंगे, दैट इज ट्रेजेक्ट्री। हम समझने की कोशिश करेंगे इसका जो पाथ है, इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरह का है। ठीक है जी, मैंने ये पॉइंट बना लिया हमारा ओरिजन, ये हमारी जो नीचे वाली लाइन है बेटा, ध्यान दीजिए, मैंने इस लाइन को नाम दे दिया एक्स एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, और मैंने यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से बना डाली, और मैंने इसका नाम दे दिया भैया कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस इसका नाम दे दिया, या आप इसको बेटा वर्टिकल के नाम से भी जानते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो वेलोसिटी है ये हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी है, मैंने इसके भी दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट आप इधर ध्यान दीजिए अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैंने इसको वी एक्स लिखा, और ये होगा कितना बेटा, ये होगा वी कोस थीटा। ये वी कोस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल नीचे वाले के साथ बन रहा है, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा मेरे भाई वो होगा ऊपर की तरफ, क्या मैं उसको लिख दूं वी वाई, क्योंकि ये वाई वाले एक्सिस में, और होगा कितना, ये होगा वी साइन थीटा। तो दोनों कंपोनेंट कर दिए, ये हॉरिजॉन्टल में चलाएगा और ये वर्टिकल के अंदर चलाएगा, हमने तो निकालनी है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बोले तो पाथ, तो मैंने क्या माना कि मान लीजिए जो बॉल है उसे फेंका, और बॉल चलते चलते कहीं यहां पर पहुंच गई है, इस जगह पर पहुंच गई है, ये कोई लोकेशन है बॉल की, किसी टाइम टी पर ये बॉल यहाँ पी पॉइंट पे पहुंचती है। तो मैं आपसे पूछूं भैया इस पी पॉइंट की लोकेशन क्या है, आप कुछ नहीं करोगे, जल्दी से ऐसे ऐसे करके इसकी लोकेशन बता दोगे, बोलेगे सर ये एक्स एक्सिस पे लेट अस सपोज इतना आगे आ चुका है, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया एक्स, और मान लीजिए ये वाई एक्सिस पे भी तो कुछ बढ़ चुका है, तो वाई एक्सिस पे इसकी जो ये वैल्यू है मैंने सर इसको नाम दे दिया वाई, यानी इसकी जो लोकेशन है बेटा वो क्या है, एक्स कोमा वाई इसकी लोकेशन है। तो मैं दोनों की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एक्स की भी और वाई की भी, एक्स यानी हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस, वाई यानी वर्टिकल वाला ऊपर वाला डिस्टेंस, दोनों निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ इंटू ए टी का स्क्वेयर, अरे पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो मैंने पहले लगाया किसके अंदर बेटा, पहले मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल के अंदर, हॉरिजॉन्टल बोले तो हम x एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, तो x एक्सिस में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमने x ट्रेवल किया, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस इनटू में t प्लस में, देखिए बेटा इसको ना मैं u लिख देता हूँ यार यहाँ पर, क्योंकि इनिशियल है ना, बड़ा कंफ्यूज ना हो, हम इसको u लिख देंगे, u यूज करके चलेंगे, ठीक है ना, u यूज करेंगे इसको, इनिशियल है ना इसलिए, तो यहाँ पर भी u लिख लेते हैं यार, और यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बदलाव करके u लिख लेंगे, ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कुछ अलग भी तो हो सकती है। और यहाँ पर मैंने लिखा हाफ इंटू एक्सेलेशन इन एक्स एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस आपको बता बेटा कितना है, यू कोस थीटा इंटू में टी प्लस में हाफ, एक्सेलेशन इन एक्स एक्सिस जीरो होती है मेरे भाई इंटू टी स्क्वायर, अभी जीरो कहाँ से आई, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता के गया कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेशन तो जीरो होती है, यहाँ देख लीजिए मैंने बताया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट किया, तो एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास आई यू कोस थीटा इंटू टी, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यानी आपका एक्स वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का इनटू टाइम, इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन का फायदा क्या, सुनो इस इक्वेशन का एक तो ये फायदा है कि आप किसी भी टाइम पे एक्स बता सकते हैं, अगर आपको टाइम गिवन हो, आपको एंगल गिवन हो और आपको यू गिवन हो, आपको बता दिया जाए एक बॉल को इतनी स्पीड से इतने एंगल पे फेंका गया इतने सेकंड के बाद वो कहां पर होगा, तो आप एक्स निकाल सकते हैं, है ना, यानी वो कितना आगे बढ़ चुका है, ये वाला डिस्टेंस अगर तुम्हें बताना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, आपको यू पता होना चाहिए, आपको थीटा पता होना चाहिए और आपको टी पता होना चाहिए, ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मेरे भाई, क्योंकि ये बॉल ऊपर भी तो गई है, ये वाई ऊपर जा चुकी है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका बेटा ये वाई है, इसको भी तो निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज किया हमने, कौन सा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन हमने ये वर्टिकल में यूज किया, तो एस की जगह क्या लिख देंगे वाई लिख देंगे, यू की जगह लिख देंगे यू वाई इंटू में टी प्लस में हाफ इंटू में ए की जगह ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे, है ना, y is equals to u y, u y है initial velocity in y axis, तो बिल्कुल हमने y axis में इसको velocity दी है जो कि है u sin theta, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा u into sin theta into में t plus में half, और acceleration कितनी है, देखो यार आपको पता है acceleration तो यहाँ पर gravity है g, और ऊपर जा रही है तो मैं इसको ले लेता हूँ minus का, तो मैंने यहाँ लगा दिया minus का g into t, t आपको पता है कितना है, t तो t है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर बन गई 2, यानी इस फॉर्मूले का यूज करके तुम किसी भी टाइम पे बता सकते हो कि ये जो बॉल है वो कितना ऊपर है, क्योंकि इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपको u t और u थीटा और t चाहिए, यानी आप अगेन इन तीनों का यूज करके अगर आपको क्वेश्चन में u गिवन है, थीटा गिवन है, टाइम गिवन है, तो तुम इस दो नंबर इक्वेशन में पुट करके बता सकते हो y क्या है, y क्या है मतलब बॉल अभी फिलहाल कितनी हाइट के ऊपर उड़ रही है, तो इससे तुम बता सकते हो।
तो इक्वेशन वन और टू, यानी मैं यहां पर इसकी इंपोर्टेंस लिखना चाहूं, इंपोर्टेंस बेटा किसकी, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यू कैन फाइंड, यू कैन फाइंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ द बॉल या पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर तुम उसकी पोजीशन बता सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए, है ना, आपको टाइम पता होना चाहिए बेटा, आपको स्टार्टिंग का एंगल पता होना चाहिए और स्टार्टिंग की वेलोसिटी, ये तीन चीजें पता है, तुम एक्स और वाई दोनों बता सकते हो, दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है इसकी पहली इंपॉर्टेंस। और साथ में अभी हमने पूरा नहीं किया, हमें तो ट्रेजेक्ट्री भी बतानी है, तो ट्रेजेक्ट्री बतानी है तो हमें इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखिए जी, पहली इक्वेशन जो आपकी आई थी, एक्स आया था उससे बेटा यू कोस थीटा इंटू टी, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी वाई, वो कुछ इस तरह से आई थी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आया था, ये आपकी इक्वेशन नंबर दो थी। तो मैंने क्या किया बेटा, पहली इक्वेशन का यूज किया सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मैंने यहां से टी निकाल लिया टाइम, तो टाइम आपका आया एक्स बाई यू कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू आई। अब मैं इसको पुट करता हूँ दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, इसको किया पुट इन इक्वेशन नंबर टू, जब पुट किया तो वाई आपके पास कुछ ऐसे बना यू साइन थीटा, और यहाँ पर टाइम की जगह बेटा क्या आ गया, यू कोस थीटा, ठीक है, माइनस का हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, टी यानी एक्स का स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से आया। तो देखिए यहाँ बेटा यू से यू कैंसिल हुआ, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा ये टेंजेंट बना, तो वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस का हाफ इंटू जी यू, आपका ऊपर आया एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास फाइनली एक इस तरह की एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल वाई है और यहाँ पर एक वेरिएबल आपका एक्स है, यानी ये वाई और एक्स के बीच में एक इक्वेशन बन गई। और देखिए जरा ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इस तरह की, जब आपको एक साइड में वाई दिखे और दूसरी तरफ दूसरा एक्स का स्क्वायर वाली टर्म दिख जाए, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। बेटा ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला की इक्वेशन होने का क्या हुआ, कंक्लूजन आपका ये निकला, सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की पाथ जिसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, भैया ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन निकलता है। तो पहला ट्रेजेक्टरी वाला टॉपिक आई थिंक सो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो पैराबोलिक पाथ से भी ज्यादा जरूरी ये दोनों इक्वेशंस थी, क्योंकि इससे तुम कभी भी किसी भी टाइम पर एक्स और यू, एक्स और वाई निकाल सकते हो। ट्रेजेक्टरी के बाद आता है यार हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होगा, वो टाइम जिस दौरान ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हवा में उड़ रहा है, यानी यहाँ से जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका और जब यहाँ पर जाके प्रोजेक्टाइल इस जेड पॉइंट पे गिरा, तो टोटल टाइम कितना लगा, कितना टाइम वो अपनी ट्रेजेक्टरी को पूरा करने में लगा रहा है, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो। इस टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा हमने, देखिए एक तो इस ओरिजिन से, यानी जिसको कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं बेटा, ये जो हमारा ओ पॉइंट है, मैंने इसको वाई एक्सिस बना लिया क्योंकि आपको पता है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ये हमारा कौन सा था, इधर हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है, और इधर हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट किया बेटा, इसको यू लिखा, तो ये हमारा एक्स वाला कंपोनेंट है, इसको लिखा था यू कोस ऑफ थीटा। हमारा एक इधर की तरफ भी कंपोनेंट हुआ था, है ना, कौन सा, यू ऑफ वाई, जिसको हमने लिखा था यू साइन ऑफ थीटा। ये काम आएंगे दोबारा से, फिर से मैंने बना लिया। तो हमें देखिए, मैंने इसको कहा दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये दो चीजों से बना है। देखिए टाइम जो उसको ओ से इस पॉइंट तक, लेट अस सपोज ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट नंबर ए, क्या नाम दे दिया, पॉइंट नंबर ए, यानी ओरिजिन, यानी जहां से फेंका गया वहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा जो टाइम, फिर यहां पर हाईएस्ट से वापस जेड तक आने में लगा जो टाइम, ठीक है ना, ये दो टाइम है। देखिए जीरो से हाईएस्ट में जो टाइम लगा इसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ असेंट, क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर चढ़ने में जो टाइम लगा, और नीचे आने वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ए से जो वापस आने में टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और ये जो दोनों है ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को टू टाइम टाइम ऑफ असेंट या फिर टू टाइम ऑफ असेंट लिख सकते हो, डिसेंट लिख सकते हो, सॉरी। उसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा, मैंने उसके लिए एक सिंबल बना दिया टी डैश। टी डैश किसका सिंबल है बेटा, टाइम ऑफ असेंट का या टाइम ऑफ डिसेंट का, यानी ओरिजिन से, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा या फिर हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में आने में जो टाइम लगा, दैट इज टी डैश। दोनों बराबर होते हैं, हम इसको निकाल लें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा,
अब ये टी डैश निकालें कैसे? तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको कुछ समझाया, जरा ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल के पास इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पे दो दो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस की तरफ भी कुछ वेलोसिटी है और इसकी वर्टिकल में भी कुछ वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। सोचो जब बॉल ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बॉल जब ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो बताओ क्या चेंज आ रहा है? आपने देखा कि पॉइंट ए पर पहुंचकर बॉल और ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन बॉल आगे जरूर जा पाएगी। यानी इस पॉइंट पे बॉल के पास दो दो वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली भी है और हॉरिजेंटल वाली भी, है ना? हॉरिजेंटल वाली भी, वर्टिकल वाली भी, हॉरिजेंटल वाली भी, वर्टिकल वाली भी, हॉरिजेंटल वाली भी, वर्टिकल वाली भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल है। यहां से ये क्लियर होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा, जब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है बेटा, जब हमारा प्रोजेक्टाइल है ओ से लेके ए तक जाता है, उस दौरान उसकी जो एक्स वाली वेलोसिटी है यानी उसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहती है कांस्टेंट। क्यों नहीं फर्क पड़ता बताओ? क्योंकि इस साइड में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, हमारी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है बेटा किस साइड में, जो वाई वाली साइड में वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, ये चेंज होगी। रीजन चेंज होने का बिकॉज वाई वाली एक्सिस के अंदर आपको पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वजह से, है ना? जब बॉल ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ पर आके वो और वर्टिकली ऊपर नहीं जा पाया। क्या बताओ, यहाँ से ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया ना। यानी इस ए पॉइंट की खास बात क्या है, एट पॉइंट ए जो इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग अभी भी वो कितनी है बेटा, यू कोस थीटा है, लेकिन इसकी जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है वो धीरे धीरे थोड़ा होता रहता है और ए पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आप इस जगह देखो, चाहे इस जगह देखो, चाहे इस जगह देखो, वो सेम ही मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। पूरे मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी। कारण क्यों है सेम रहने का? कारण बेटा ये है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन चेंज करती है, इसलिए पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यू कोस रहेगा। लेकिन वर्टिकल वाले में चेंज आएगा, जब वो ऊपर जा रही है वर्टिकल वाली डिक्रीज होगी, जब वो वापस नीचे आना स्टार्ट होगी यहाँ पर वर्टिकल में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर वर्टिकल वाली वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ पर वर्टिकल वाली और आ गई, यहाँ पर वर्टिकल वाली और बढ़ गई। यानी जब बॉल ऊपर जा रही थी तो वर्टिकल वेलोसिटी कम होती गई, जब बॉल नीचे गिरना स्टार्ट की वर्टिकल वाली वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की भी चीज होती है, इसलिए। ठीक है, अब हमें ये छोटा सा कंसेप्ट पता लगा कि पॉइंट ए पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। मैं इस फॉर्मूले का यूज करके टाइम को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने निकाला टाइम ऑफ असेंट, मैंने क्या निकाला, टाइम ऑफ असेंट निकाला, मतलब ऊपर जाने में लगने वाला टाइम। तो अब आप बताओ फाइनल वेलोसिटी वाई वाले में, है ना, वाई वाले के लिख रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई का प्लस एक्सेलेरेशन कौन सा y का, प्लस टाइम, टाइम कौन सा, मैं o से a की बात कर रहा हूं, मैं o से लेके a मोशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो लगना, जो टाइम लगा वो उसको मैंने t डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होती है, है ना, a पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई एट पॉइंट ए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस में, तो बेटा ये तो हमने u sin थीटा से फेंका था इसको, ये u sin थीटा इसकी वैल्यू, प्लस एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो यहां पर ग्रेविटी वाली है, है ना। अब ऊपर जाने की बात हो रही है तो ऊपर जाते टाइम तो आपको पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस की इनटू में टी डैश, यहां से मैंने इसको निकाला जी इनटू टी डैश इज इक्वल टू यू इनटू साइन ऑफ थीटा। तो बेटा आपके पास यहां से टी डैश आ गया, क्या आया आपके पास, यू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। आपके पास एक फिर से प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, ये आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेटा आपका टाइम ऑफ असेंट का, टाइम ऑफ असेंट का एसी या सी आ जाएगा, स्पेलिंग सही कर लेना, या फिर इसको बोल दो यही सेम फॉर्मूला होता है बेटा आपका टाइम ऑफ डिसेंट का। ठीक है, यानी इस बॉल को वापस ए से जेड तक आने में भी इतना टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टू टाइम्स है टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। तो टू टाइम किसका बेटा, आपका यू, अभी क्या निकाला आपने, यू साइन थीटा बाय जी, तो मैं यहां लिख देता हूं यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है टाइम पीरियड का, दैट इज टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये कौन सा टाइम पीरियड है बेटा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितने दौरान वो हवा में है, टाइम ऑफ
फ्लाइट का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू टाइम्स, देखिए यार यू साइन थीटा है क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है वेलोसिटी का, तो मैं इसको यू वाई भी लिख सकता हूँ डिवाइड बाय जी। तो इस तरह से सिंपल करके भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इस फॉर्मूला को, किसका फॉर्मूला है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा अगला पॉइंट है दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट नाम की चीज क्या है, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब फेंकते हो, वो आपको पता है ऊपर की तरफ बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही तो होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इस तरफ वाली ये जो मैं एरो बना रहा हूँ कि पॉइंट यानी उस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जो है ना, वो तो पूरे मोशन के दौरान सेम रहती है, बट यहाँ पर उसके पास वर्टिकल वाली वेलोसिटी काफी है, यहाँ पर वर्टिकल वाली वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम हुई, यहाँ पर और कम हुई, यहाँ पर बिल्कुल कम हुई, और यहाँ पर जाके शायद इस जगह जाके आप देखते हो वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो होने का मतलब वर्टिकल में वो और ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी उस बेचारे की औकात आ गई, यानी इतना ही वर्टिकल में ऊपर उठ पाया, तो ये कितना ऊपर उठा, इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट। इसको एच से रिप्रेजेंट किया, हमें इसी एच को निकालना है, किसको निकालना है, इसी एच को निकालना है। तो मुझे बताओ ये जो एच वाली वैल्यू है ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रही है, अरे सर ये तो वर्टिकल में आएगा है ना, ये वाई एक्सिस की कोई वैल्यू है, तो हमें इसको निकालना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है मेरे भाई, किसको, मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट, कैसे करें, देखिए वही फिर से फॉर्मूला लगाना है, हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है। अब देखो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो बेटा, तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला भी होता है, और आपने ये भी पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसके अंदर, हमें निकालना है ये हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी s, या तो वो दूसरी इक्वेशन में आता है या तीसरी इक्वेशन में आता है। अब इन दोनों इक्वेशंस में कोई एक यूज करें वो तो हमारी मर्जी है, हम कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करोगे मेरे भाई बताओ, वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम पे डिपेंड करता है कौन सा यूज करें। तो दोनों का यूज करके आप निकाल सकते हो, मुझे थोड़ा सा नीचे वाला बेटर लगा, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बट ऊपर वाले से भी निकाली जा सकती है, तो मैंने इस इक्वेशन का यूज किया, कौन सा बेटा, इस वाला। अब इस इक्वेशन का यूज भी क्या मैं हॉरिजॉन्टल में करूं या वर्टिकल में करूं, तो मुझे एच निकालना है यार, एच तो ऊपर वाला डिस्टेंस है यानी वर्टिकल वाला, तो मैंने इसका यूज किया इन वर्टिकल, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज किया इन वर्टिकल, तो मैंने लिखा v वर्टिकल का स्क्वायर माइनस u वर्टिकल वाले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इनटू 2 इनटू ay इनटू डिस्टेंस इन y एक्सिस, ठीक है बेटा। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी कहाँ की, तो हम बात कर रहे हैं इस हाईएस्ट पॉइंट की, तो मैं इसको फिर से लेता हूं एट पॉइंट ए, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी यार ए पॉइंट पे, मुझे पता है ए पॉइंट की वेलोसिटी है जीरो, तो मैंने इसको किया जीरो, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, तो मुझे पता है वाई एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो जिसको यू वाई लिखते थे वो कितना होता है, यू साइन थीटा, ये तो स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया भैया होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एक्सेलेशन, तो एक्सेलेशन माइनस का जी, वही माइनस का जी, तुम्हें पता है क्यों। और एस क्या है बेटा, एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है वो हमारा, तो यहां से आया माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2g into h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास जो h आएगा बेटा वो कितना आएगा बताओ, u square sin square theta upon 2g, क्या हमारा ये फॉर्मूला बना, क्या हमारा ये फॉर्मूला बना। फिर से लिखता हूँ कि जो हाइट का फॉर्मूला आया वो आया u square sin square theta upon में 2g, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से तुम हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाए तो वो कितना ऊपर जाएगी, तुम इससे निकाल सकते हो। और इससे ये भी चीज क्लियर हो रही है कि जो हाइट है ना बेटा दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे और आपके एंगल पे, ये दो चीजें ही डिसाइड करेगी कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना ऊपर तक जाएगी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और यार ये क्या होता है यू साइन थीटा, ये तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, तो यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो तुम ये भी हाइट का एक फॉर्मूला बना सकते हो जो तुम्हारे डायरेक्ट काम आ सकता है, यानी वर्टिकल वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2g से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी भाई, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे यही सेम फॉर्मूला यार मैं यहाँ लिख देता हूँ,
खाली रह गया, कोई बात नहीं। अब तक हमने दो चीजें निकाली बेटा, ट्रेजेक्ट्री निकाली, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, जो आया आपको याद हो 2u sin θ / g, और हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, वो आपके पास कितनी आई अभी अभी जस्ट हमने निकाला भाई, बताओ कितना आया था? वो आया था u² sin²θ / 2g। ठीक है, अब निकालते हैं अगला पॉइंट। अगला है हमारा पॉइंट जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका वो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके गिरा। अगर वो यहां पर गिरा जेड पे, तो यहाँ ओरिजिन से लेके यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके और जहां पर वो एकदम से गिरा स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, वहां तक का ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी हॉरिजॉन्टली कितनी उसकी औकात है, कितनी रेंज है हॉरिजॉन्टल में जाने की, इसी को हॉरिजॉन्टली रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको चलिए निकालते हैं। वही लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये हमारा x वाला कंपोनेंट है जिसको कि u cos थीटा के नाम से जाना जाता है, और ये वाला हमारा ऊपर हम एक्सिस लेते हैं बेटा, आपको पता होगा y एक्सिस, और इधर की तरफ जो वेलोसिटी है जिसको हम uy लेते हैं, क्या होता है बेटा आपका u sin थीटा। ये बिल्कुल अच्छे से हमें पता है, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि ओ से लेके जेड तक इस बॉल को लेके जाने में किसका रोल है, मुझे बताओ तुम। तो ओ से लेके जेड तक लेके जाने में रोल है किसका, यू कोस थीटा का, है ना, एक्स एक्सिस के साइड में लगने वाली वेलोसिटी का रोल है, और इसमें कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, यानी इतनी ही वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंटली बॉल आगे की तरफ बढ़ रही थी। और ओ से लेके जेड तक लगने वाला जो टाइम है वो कितना है बताओ मुझे, तो ओ से लेके जेड तक लगने वाला टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि पूरा टाइम लगा इसको, जो कि कितना था, जो भी अभी निकाला था 2u sin θ / g, है ना, इतना निकाला था। तो हमें अब अगर ओ से लेके जेड तक का डिस्टेंस निकालना है, तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, क्या आपको पता हो बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, है ना, ये वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसे निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस है हमारा आर, वेलोसिटी है हमारी u cos into theta, टाइम हमारा कैपिटल t है, तो मैंने t की वैल्यू पुट कर दी u cos theta into 2u, यहाँ पर t की वैल्यू क्या बेटा 2u sin theta upon में g, है ना, ऐसे किया। बोले ये सर डायरेक्ट हमने बाकी जगह यूज क्यों नहीं किया, यार बाकी जगह एक्सेलेरेशन थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा सोल्व किया, तो बताओ कितना आया, r इज इक्वल टू 2u² sin θ / cos θ अपॉन में जी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाऊं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू टू, देखिए एक यू को मैं साइन थीटा के साथ लिखता हूँ, एक यू को कोस थीटा के साथ लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2u sin θ / u cos θ / g, यानी इससे ये थोड़ा सा दिखने में ऐसे लग रहा है, टू ये है आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये है आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बाय जी, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फॉर्मूला बन गया इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, कि अगर आप वेलोसिटी जो गिवन है आपको उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट और वर्टिकल वाला कंपोनेंट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दो से मल्टीप्लाई कीजिए, जी से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहो तो फिर से मैंने लिखा आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अभी भी निकाला यही तो था, डिवाइड बाय क्या था भाई, इसके नीचे डिवाइड बाय जी था, मैंने इसको लिखा यू स्क्वेयर 2 sin θ cos θ को मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग करके लिख दिया डिवाइड बाय जी। और आप सब बच्चों को पता होगा मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, तो ये जो फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ, इसको लिखा जा सकता है sin 2θ, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा sin 2θ, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर बिकम्स यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2θ / g, तो आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का आपके पास फॉर्मूला बन गया। पहले एक फॉर्मूला क्या लिखा था, r इज इक्वल टू 2ux uy / g, ये भी हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे, अभी भी निकाला, उसके अलावा ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया हॉरिजॉन्टल रेंज का, तुम इसको देख सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया। छोटी छोटी कंसेप्ट है यार, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। सबसे पहला है आपका कंसेप्ट कंडीशन, अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी काफी है यार, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था r इज इक्वल टू क्या था बेटा आपका, था u² sin 2θ / g, यही तो फॉर्मूला था, अभी अभी हमने निकाला आर का फॉर्मूला था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन बताओ कि इस आर की वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी,
अब आर की वैल्यू डिपेंड करती है यू पे, आर की वैल्यू डिपेंड करती है इस थीटा एंगल पे, और जी पे डिपेंड करती है ना। यानी ये जो पूरा फैक्टर है साइन ऑफ टू थीटा, ये भी डिसाइड करेगा कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर क्या, मैं आपसे पूछूं, आर की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है जब इस साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, अब साइन थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वन हो सकती है। इट मीन योर साइन ऑफ टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन, है ना। अब आपको पता होगा साइन थीटा की वैल्यू कब वन होती है, साइन थीटा की वैल्यू वन कब होती है बेटा, जब साइन आपके पास कितना होता है, साइन आपके पास होता है कितना भैया 90 डिग्री, है ना। साइन 90 भी होता है, तो मैंने वन की जगह साइन 90 लिख दिया। अब साइन साइन से कंपेयर कर दो, यहाँ पर आया 2 थीटा, यहाँ पर आया बेटा 90 डिग्री, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90/2, इट इज 45 डिग्री। एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा ही शानदार रिजल्ट आया कि जब आपके पास ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जब आपके पास ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, तब ये जो आपके पास ओरिजेंटल रेंज होती है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी बॉल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरती है। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकना चाहते हो, आप चाहते हो हॉरिजॉन्टली बहुत दूर गिरे, तो आप क्या कीजिए, एंगल जो है ना उसको 45 डिग्री कर दीजिए। अब 45 डिग्री एंगल करने पर रेंज हो कितनी जाती है, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू देखिए कुछ ऐसे आ जाएगी, जाएगी बेटा आपके यू स्क्वेयर अपॉन जी आ जाएगी, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू तो वन हो जाती है थीटा 45 पे, है ना। तो आपके पास दो बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट आ गए कि एट एन एंगल थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता है, और होती कितनी है उस टाइम पे रेंज, वो होती है यू स्क्वेयर अपॉन जी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेम एच एट डिफरेंट एंगल, सेम एच नहीं बोल के बेटा मैं लिखूंगा सेम रेंज, आर लिखो यार यहाँ पर, सेम रेंज आपको किन डिफरेंट एंगल्स पे मिलती है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना, जहां से हम इसको फेंक रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, अगर आप किसी एंगल थीटा पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंको, और दूसरा अगर आप एंगल 90 माइनस थीटा पर उसको फेंको, तो दोनों ही केसेस के अंदर बेटा आपकी आर सेम होती है, दोनों ही केसेस में आपकी आर सेम होती है। ये चीज याद रखें, क्या कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी थीटा एंगल पे फेंक रहे हो, और अगर आप उसको 90 माइनस थीटा एंगल पर भी फेंको, तो दोनों केसेस के अंदर रेंज सेम होती है। इसका छोटा सा प्रूफ भी कर ही लेते हैं। लेट अस सपोज आपने उसको फेंका एट एन एंगल थीटा, आपने उसको फेंका एट थीटा एंगल, और रेंज को मैंने आर वन लिख लिया, तो फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, यू स्क्वेयर साइन ऑफ टू थीटा यानी टू ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर वन लिख दिया। अब मान लीजिए आपने उसको फेंका एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा एंगल पे उसको फेंक दिया, तो इस टाइम मान लीजिए रेंज है आर टू, तो आर टू कितना आएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 इनटू एंगल, एंगल कितना बेटा 90 माइनस थीटा माना हुआ है इस बार हमने, डिवाइड बाय जी है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो मेरे भाई, तो इसको सोल्व करने पर ये आएगा यू स्क्वेयर साइन, ये आ गया आपका 180 माइनस का 2 थीटा डिवाइड बाय जी, डिवाइड बाय आपका जी। और आपको बताओ मेरे भाई कि साइन 180 माइनस जो भी थीटा होता है, तो साइन 180 पे एक चेंज नहीं होता, साइन तो साइन ही रहता है, तो आर टू जो आपका आ गया वो आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, है ना, ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू आपको क्या पता लग रहा है, ये दोनों तो बराबर है, आर वन इज इक्वल टू आर टू की रेंज तो बराबर आई, लेकिन आर वन रेंज कब आई, थीटा एंगल पे, आर टू रेंज कब आई, 90 माइनस थीटा एंगल पे। इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन भैया ये निकला कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा दोनों एंगल्स पे रेंज क्या होती है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बेटा, वो सेम होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बोलूं कि आपने अगर एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, उसकी रेंज आर आई, तो सेम रेंज के लिए दूसरा एंगल बताओ, तो क्या करेंगे बेटा, 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ मुझे, 90 माइनस 30 आपका कितना है बेटा 60, तो 30 और 60 दोनों पे रेंज सेम आएगी। आप इन दोनों एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 90 मिलेगा। अगर एक एंगल 10 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा बेटा 80 डिग्री का होगा, ये दो एंगल पे रेंज सेम होगी। एक एंगल अगर 20 का है तो दूसरा कितने का होगा 70 का होगा, एक एंगल आपका मान लीजिए 40 का है तो दूसरा कितना होगा 50 का होगा, है ना। जिन दो एंगल्स का जो सम है, जिन दो एंगल्स का जो सम है बेटा, वो आपको 90 डिग्री मिल जाए, तो उन दोनों एंगल्स पे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। याद रखेंगे इस रिजल्ट को, बहुत ही शानदार रिजल्ट है बेटा, दिमाग में बिठा के रखना। तो अब देखिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आर मीन टू से हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मीन टू हाइट,
जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका और यहाँ जाके गिरा, उसने कुछ हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी कुछ हाइट भी है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं ताकि इनको कनेक्ट किया जा सके? भैया बिल्कुल हाँ, ऐसा फॉर्मूला है। क्या कीजिए, जस्ट इनके फॉर्मूले लिखिए। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको फॉर्मूला पता हो, वो होता है बेटा यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूं तो बेटा आपको याद हो ये बना था 2 यू स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में जी। तो ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं, यानी हाइट यानी कितना वो ऊपर गया, तो उसका फॉर्मूला आपको याद हो बेटा, वो था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2 जी। अब जस्ट क्या कीजिए, आर को आप एच से डिवाइड कर दीजिए। आर आपके पास है 2 यू स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइड बाय जी, और एच की वैल्यू लिखूं तो ये बना 2 जी अपॉन में यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, जी ने जी को कैंसिल कर दिया मेरे भाई, यू यू ने यू को कैंसिल किया, एक साइन से ये साइन कैंसिल हुआ, तो आपके पास ओवरऑल ऊपर तो बचा 4 इंटू आपके पास बचा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अरे साइन बाय कोस तो टेंजेंट होता है, ये तो उसका रिवर्स हुआ, तो आपके पास क्या आया, आर बाय एच जो आया वो 4 टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट यानी कोट थीटा आ गया, है ना। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आई कि आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एच इंटू आपका कोट ऑफ थीटा। तो आपके पास इनके बीच में एक रिलेशन आ गई, किसके बीच में बेटा, आर और एच के बीच में। ये आपसे पूछ ले कि आर और एच का जो रेशियो है ना वो कितना होता है, तो बेटा वो होता है 4 ऑफ कोट इंटू थीटा, इस तरह से। फिर अगर मैं आपको बोल दूं तो ये आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम के बीच की रिलेशन बताओ, है ना। तो बोलेंगे सर मैक्सिमम तो तभी होता है ना जब एंगल आपका 45 डिग्री हो, तो 45 पुट कर दीजिए, तो आर बाय जो एच हुआ वो क्या हुआ, 4 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 45। अच्छा आपको पता है कोटेंजेंट ऑफ 45 1 ही होता है, तो आपके पास क्या आया, आर बाय एच इज इक्वल टू 4 आया। यहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी रिलेशन आई, आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच, यानी जब बात हो रही हो 45 डिग्री के एंगल की, जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका, उस टाइम पे उसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है और जो मैक्सिमम हाइट होती है उनके बीच का जो रिलेशन है वो होता है 4 टाइम्स वाला। यानी अगर आपको मैक्सिमम हाइट पता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकने में ये मान लीजिए 50 मीटर ऊपर गया, तो बताओ कितना आगे गया, तो इसको सिर्फ 4 से गुना करनी है बेटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो ये वाला रिलेशन आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेजेक्ट्री का, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर ट्रेजेक्ट्री कैसी है, जिससे हमको पोजीशन का भी पता लगता है। उसके बाद हमने बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट पढ़ा, आपको अगर याद होगा। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की, फिर उसके बाद हमने हाइट की भी बात की, एंड इनके बीच के रिलेशंस को समझने की कोशिश की। तो आज की क्लास में करेंगे इतना, अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, प्रोजेक्टाइल की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होती है, उसके अलावा वेलोसिटीज की वैल्यूज कहाँ पर कितनी होती है, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, मोमेंटम का कंसेप्ट देखेंगे प्रोजेक्टाइल के अंदर, और प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी की भी बात करेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट सीखेंगी। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। तो जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी है तो बेटा वो कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बिल्कुल आप बताएंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।